नमस्कार दिन दुईटार अपडेट खबर सह आपको स्वागत करुच्छी मु शक्ति बुलेटिन को आगे नवा कि प्रथम देखने कौन रही हेडलाइंस टंका न देवारु ट्रक ड्राइवर उपर पुलिस दबंगिरी अभियोग बीच रास्ता रे पिटला मालगोदाम थाना पुलिस वायरल हैला जुक्तितर्कर वीडियो जुलम विरोध में थाना अधिकारी भेटिले ओडिशा ड्राइवर महासंघर सदस्य चिंता बढ़ाला कोरोनार नुआ स्ट्रेन दक्षिण आफ्रिका हांगकांग ओबोस्वानारु आसुथिले संगरोधरे रहिबे अति कमरे 10 दिन क्वारंटाइन में रहिबाकु निर्देश डीएमईटी को सूचना बीजेडी शासन में महिला विपद रे सरकार को ऊपर बरसिले समीर महांती कहिले सांसद अपराजिता षडंगी को आक्रमण घटना निंदनीय ममिता पाई छिड़ा होई सारा ओडिशा बीजेडी एते असहिष्णु काहेकि संबलपुर बामरा ब्लॉक प्रशासन अमानवीय कार्य साहय तहसिलदार मना कर घुषुड़ी घुषुड़ी उपजिलापाल भेटिले असहाय विधवा महिला तहसिलदार को तहसिलदार कार्यशैली को नहीं उठिला प्रश्न लोकों जीवन सह खेलुंट राज्य सरकार रोगी को दि जाऊँ एक्सपायरी मेडिसिन स्वास्थ्य विभाग चिठीर आसला सांघातिक सत एक्सपायरी मेडिसिन न देवाक सबू डाक्तरखाना महाविद्यालय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश आज संविधान दिवस पालू देश संसद में देशवासी को प्रधानमंत्री संबोधन कहले राजनीति में दुर्नीति लोकतंत्र विपद आज आंबेडकर और राजेन्द्र प्रसाद को नमन करिवार दिन 26/11 शहीद को कले सलाम आचार्य विहार आक्रमण को सांसद अपराजिता निंदा तांकु न डाकिबाकु बीजेडी जड़े नेता करुथिले फोन परिषद हॉल रे बैठक बेले हुहला सह ढेला माड़ कहले महिला सांसद को काम करिबाकु दियंतु राज्य सरकार ट्रक ड्राइवर उपरे पुलिस दबंगिरी बीच रास्ता रे बिना कारण रे माड़ मरागला जाइथिबा अभियोग एवं जुक्ति तर्कर वीडियो वायरल होइछि पुलिस जुलम विरोध रे मालगोदाम थाना अधिकारी को भेटिले ओडिशा ड्राइवर महासंघर कर्मकर्ता मालगोदाम थाना पुलिस जड़े ट्रक चालकों को बीच रास्ता रे माड़ मारी लोहुलुहान करथिबा अभियोग होइछि ट्रक ड्राइवर अभियोग अनुसार मालगोदाम ओवरब्रिज निकट में छत्तीसगढ़ जन ड्राइवर डाली नहीं माल मालगोदाम को आसी तो मालगोदाम को प्रवेश समय पुलिस टंका मागी हेले से न देवारु प्रथमे जुक्तितर्क पर माड़ मारी लोहलुहान करी मोबाइल फोन भांगी देते जड़े पुलिस तेरे बड़ कथा है पुलिस निज भूल स्वीकार करने सहित गाड़ी ड्राइवर को चिकित्सा करने सहित भांगी दे मोबाइल बाबद को टंका देवाक प्रतिश्रुति जार प्रतिवाद आज ओडिशा ड्राइवर महासंघर कर्मकर्ता मैंने मालगोदाम थाना अधिकारी को भेटी संघर प्राय 30 रु 40 कर्मकर्ता थाना अधिकारी को भेटी पुलिस पक्षर कर जुलम को विरोध करघर कर्मकर्ता अभियोग जदि कौन ट्रक ड्राइवर किंवा कर्मचारी भूल करुले आईन अनुसार दंडित कराऊ किंतु बीच रास्तार से माड़ मारी लोहलुहान अपमानित करार नागपुर से सुबेर शाम के टाइम में आया सुबेरे सुबेर आया था 4 बजे तब क्या हुआ? गाड़ी रोका और अपने को रोक के पैसे मंगा तो पैसे नहीं दिया मैंने तो मेरे को गाड़ी से नीचे उतार नीचे उतरा तो एक डंडा मारा था फिर मोबाइल अंदर में क्या हुआ तोड़ दिए तोड़ दिए मोबाइल में क्या कर रहे थे आप
मोबाइल में वीडियो शूटिंग कर रहा था। तो शूटिंग करने के बाद वो तोड़ दिए मोबाइल। हाँ, छत्तीसगढ़ रोड गाड़ी आसला ताकि पुलिस वाला नो एंट्री कही बटी मागिले मालगोदाम ब्रिज उपर बटी नदे ठूँ मोबाइल भांगे बहुत मारी से कहते आम जहाँ को मारीचु ताक नहीं आम ठीक करूँ डक्टर ना डक्टर को देखेबू डक्टर को भल हेलापर तापर तार जो मोबाइल भांगी आम 4000 टाँग देवु ये फाइनाल करदेबू थाना भितर आम दाबी आज्ञा आम महासंघ को कमी इज्जत दि जाऊ आम ड्राइवर मान को कमी सम्मान दि जाऊ आम भाई मान को मार्च किसी बंद कर परवर्ती खबर को जीवा मंचरे कार्ड तले टंका बंटा बालेश्वर रे बीजेडी रा टंका दिया कर्मी आज बालेश्वर गस्तर जाइथिले मुख्यमंत्री अवसर थिला स्वास्थ्य बीमा कार्ड बंटन कार्यक्रम तेबे किछि कर्मी को टंका दे भड़ारे दूर दूरांतर अणा जाइथिबा अभियोग होइछि। सभास्थल को आसीथिबा महिला कर्मी माने टंका बांटुथुबार देखिबा को मिलिथिला। जे हेउछि से दृश्य आपण देखुछन्ती बिजु स्वास्थ्य कार्ड बंटन पाई मुख्यमंत्री जाइथिले बालेश्वर एवं सभा को जो महिला माने आसीथिले तांकु टंका दिया जाय कि अणा जाइथिबा अभियोग होइछि। आपण देखुछन्ती तळे जने महिला कर्मकर्ता अन्य महिला मानंकु टंका बांटुछन्ती तो दूर दूरांतर जो महिला मानंकु अणा जाउछि मुख्यमंत्री को सभा को टंका दिया जाय सेमानंकु अणा जाउछि एवं तार वीडियो वायरल होउछि। ए होउछि तार दृश्य आपण देखुछन्ती सुनिलानी स्थानीय प्रशासन घुसुड़ी घुसुड़ी उपजिलापालक द्वारस्थ हेले असहाय विधवा महिला। ए दृश्य होउछि संबलपुर बामरा ब्लॉक गोविंदपुर पंचायत असहाय महिला जनक हेले गोमती नायक किछि मास तळे तांकर अंटा हाड़ खसी जिवारु निकटस्थ मेडिकल रे चिकित्सा करथिले किंतु एहा अस्त्रोपचार आवश्यक हेबारु बामरा तहसीलदार द्वारस्थ होइथिले किंतु तहसीलदार कोनोसी प्रकार साहाय्य करिहेब नाही कहि कुचिंडा उपजिलापालक पाखकु जानतु कहि फेराइ देथिले। यापर महिला जनक घुसुड़ी घुसुड़ी उपजिलापालक कार्यालय को आसथिले जहाँकि अत्यंत हृदयदारक थिला। प्रश्न उठुची तहसीलदार कौन साहय असहाय थिले महिला को साहय तहसीलदार उपजिलापाल जन पारि था उपजिलापाल रेडक्रॉस रु अर्थ देवा सहित जातीय परिवार मंगल योजन अर्थ प्रदान सह विधवा भत्ता प्रदान करतिश्रुति बेले केंदा करबो छन चलू छ केंदा खाऊ छ केंदा छ पाँच केजी चल के जहाँ के जनता मांगसी खासे पाँच दस सोना बरसी के बेले दस पाँच बजे के नो किनी चाहत के तांकर ना हला गोमती नायक तांकर हस्बैंड हे गले मासे हे गलानी तांकर हस्बैंड खराब हो जानती तांकर माने अर्थ अभाव रु तांकर खाइबा पिबा भी किछो सब किछो असुविधा होची आ अर्थ अभाव रु तांकर माने ऑपरेशन भी अभाव होची असुविधा होची तेनु आमे उपजिला पाकु आछु जे किछि समने सहाय्य करले आमे तांकर ऑपरेशन ता भी किछि करि पारु बोली करि आमे आशा धरु। ए संपर्क रे अधिक अपडेट पाए आमे सहित जोडी होई छंती कुचिंडारु आम प्रतिनिधि सौम्य रंजन धळ। सौम्य जमली भाव रे ये हृदय विदारक दृश्य सामना को आसुची विधवा महिला जनकु घुसुड़ी घुसुड़ी जीवा को पड़ुची उपजिलापालंकु तो तहसीलदार को परिस्थिति रे जने असहाय महिला को जे कि चली पारु नाहंती तांकु फेरै देले से कौन निजे जनई पारि न था उपजिलापाल कथा से कौन एत असहाय थे तहसीलदार जो कि जड़े एभली परिस्थिति रे जड़े महिला आसी उपजिलापाल पाखकु पठाई देउछंती तहसीलदार ए प्रसंग रे मुह खोल कि निहाती भाव में देखते शक्ति जितेबाला घटनाटे घटी संबलपुर जिला बामरा अंचल बामरार कुचिंडा हवा पाखापाखि 50 किलोमीटर दूरता आउ जितेबाला महिला जनक प्रथम स्वास्थ्य अवस्था धीरे धीरे बिगड़वा लगी अंटा भांगी जाता अस्त्र जितेबाला मेडिकल जाते मेडिकल डाक्टर मैंने कहते हैं तुम अस्त्रोपचार आवश्यक अच्छी से अधिक रु अधिक टाँप जोगाड़ करने सब काठिकर फाटी पड़ता जितेबाला से बर्तमान जितेबाला विभिन्न स्थान को जाते साहय सहयोग मागिते कि
ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କେହି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ାଇ ପାରିନଥିଲେ। ସେଥିରେ ସେ ମହିଳା ଜଣକ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କାକୁତି ବିନତି କରିଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ଆପଣ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇପାରିବି, ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ତହସିଲଦାର ତାଙ୍କୁ ରୋକଠୋକ ମନା କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଚାହିଁଥିଲେ ବି ସେ ସହଯୋଗ କରିପାରିଥିଲେ କେମିତି? ଗରିବ ପରିବାର, ଶ୍ରେଣୀ ପରିବାର ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ପରିବାର କିମ୍ବା ଆଖପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ, ତାକୁ ସେ ନେଇ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କହିଲେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ କି ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ତା ଛଡ଼ା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତହସିଲଦାର ମନା କରିଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି, ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ନିରାଶ ହୋଇକି ବସିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ସମାଜସେବୀ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ଏବଂ ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କିଛି ମହିଳା ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ, ଶେଷରେ ସେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ମହିଳା ଜଣକ କିପରି ଭାବରେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଆସିକି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କାକୁତି ବିନତି ହେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ 50 କିଲୋମିଟର ଆସିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣିଲାନି, ଯେହେତୁ ସେଠାରେ ମହିଳା ଜଣକ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କାକୁତି ବିନତି କରିଥିଲେ। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କୁ ରେଡ଼କ୍ରସ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 5,000 ଟଙ୍କା ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଚାହିଁଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ତାଙ୍କଠାରୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆଜି ଏହିପରି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚରା ଗଲାଣି କି ଯେ କାହିଁକି ସେ ଫେରାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ସେ କାହିଁକି ଏ ଅସହାୟ ବିଧବା ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ, ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପଚରା ଗଲାଣି କି ଯେ ସିଏ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ସେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଜବାବ ତଲବ କଲେଣି କି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେ ସେ କାହିଁକି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ, ନିଜେ ଏହାର କ'ଣ ସମାଧାନ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ? ନିହାତି ଭାବରେ ଶକ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାଟି ଘଟିସାରିଛି ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବା ପାଇଁ ମାନେ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛୁ, ସେ କୌଣସି କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ପଳାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହିପରି ଘଟଣାକୁ ଆଗକୁ ନ ଘଟୁ, ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଏହି ବିଷୟରେ ମାନେ ସୂଚନା ନେବା ପାଇଁ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏହି ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା, କାହିଁକିନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ମହିଳା ଏପରି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଏପରି ଘଟଣା ନ ଘଟୁ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ପ୍ରଶାସନ ନିହାତି ଭାବରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତଥା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି, କାହିଁକି ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଲା, ତହସିଲଦାର ଜାଣିଶୁଣି ଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲେ ନା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଶକ୍ତି, ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ ସୌମ୍ୟ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦଳ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ତହସିଲଦାର କିମ୍ବା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯଦିଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନାହାନ୍ତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା କରିଛି, କେତେ ଅମାନବୀୟ ହୋଇପାରେ, କେତେ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇପାରେ ପ୍ରଶାସନ, ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କର ଏ ନିଷ୍ଠୁରତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଜଣେ ଅସହାୟ ବିଧବା ମହିଳା ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ସହୃଦୟତା ଦେଖାଇବା କଥା, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇବା କଥା, ତାଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହାର ସମାଧାନ ନ କରି। ତାହେଲେ ଆପଣ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ। ଆଗକୁ ଖବର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତିର। କଟକରୁ 270 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ। ଲାଲବାଗ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜବତ ହେଲା ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର। ଜବତ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାରର ମୂଲ୍ୟ 27 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ଏ ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ରାଜା ବସ୍ତିଆ। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ 19ଟି ମାମଲା ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କଟକରୁ 5 କେଜି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ କଟକ UPD ର ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି, ସେ ଅଭିଯାନରେ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। କାଲି ଲାଲବାଗ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଖବର ମିଳିଲା କି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ରାଜା ବସ୍ତିଆ, ଯିଏକି ବିଡ଼ାଣସୀର ନିବାସୀ ଅଛି, ସେ ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କ ବେଲଭ୍ୟୁ ଛକ ପାଖରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗରର କାରବାର କରୁଛି ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଆଣିଛି। ଖବର ପାଇକି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଲାଲବାଗ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଷ୍ଟାଫ ଯାଇକି ସେ ଜାଗାରେ ରେଡ଼ କଲା।
बिना टोकन रे खोली मंडी संबलपुर जिले में मंडी परिचालन अव्यवस्था डीआरसीएस ऑफिस रे धारणा देले चासी संबलपुर जिला मंडी खोलिबा सत्वे धान बिक्री आरंभ हो पारि नाही। 24 तारीख रे मंडी खोलिबा दिन प्रतीकात्मक भाव केवल गोटे सेवा समवाय समिति 20 जन चाषी 3000 बस्ता धान किणी निगला किंतु यहाँ पर मंडी पुणी बंद हो जाएगी जहाँ चाषी मध्य असंतोष देखाई। शिक्षकों बदली प्रतिवाद रे छात्र छात्री धारणा नयगढ़ जिला बरसाही सरकारी उन्नत उच्च विद्यालय रे दुई शिक्षकों राजनैतिक चापरे बदली कर अभियोग करी विद्यालय छात्र छात्री नयगढ़ जिलापालों उद्देश्य रे दावीपत्र प्रदान करने सहित धारणा देखते तेज समस्या समाधान पर नयगढ़ उपजिलापाल लग्नजीत राउत प्रतिश्रुति देवापर धारणा प्रत्याहार हो सर आम क्लास सार को बाहर कर देछंती गोटे है खिरोज सार अन्यटे दले सार आम खिरोज सार पढ़ाते गणित ओ दले सार पढ़ुते साइंस आज आमको पढ़वे बहुत ही असुविधा हो आम सांगसाथी पा मान बहुत असुविधा हो आमर दशम श्रेणी परीक्षा भी बहुत असुविधा होमें आम पढ़ापाई हेल्ले स्थान को जो आम गाँव में भल स्कूल भी ना आम स्कूल मात्र एक मैं बरसाई से भी आम हाइस्ट थी आम आम भावुल आम आम हाइस्ट स्कूल हूँ बड़ कि आम भावु धान बिलरु महिला क्षताक्त मृतदेह उद्धार रासगोविंदपुर थाना अंतर्गत पूर्णचंद्रपुर और गड़ी घाटी को संजोग कर रास्ता पाख धान बिल भितर महिला मृतदेह उधार हो मृतदेह देखा पर स्थानीय लोके रासगोविंदपुर पुलिस को खबर देते पुलिस घटनास्थल में पहुंची महिला मृतदेह उधार कर महिला जनक मंगलपुर गाँव रही जमापड़ी महिला दुष्कर्म कर हत्या कर फिंगि दि जा सन्देह कर पुलिस तदंत जारी रखी। मयूरभंज बेतनटी रेंज अधीनस्थ नखरा निकटे दंता आतंक नष्ट करुछु एकर एकर धान बिल वर्तमान पाचिला धान अमल चलता बेले धान खाइबापाई निकटस्थ जंगल गोटे दंता गाँ भर को प्रवेश करछि केवल धान फसल नुहे सेठार स्थानीय लोकंक बाड़ी पशि परिबा ओ फलमूल सब नष्ट करुछि दंतार गतिविधि उपरे नजर रखिछि वन विभाग स्थानीय बासिंदा भयभीत रही बेले लोकंक घर न बाहर परामर्श देउछि वन विभाग। मयूरभंज जिला करंजिया वनखंड सातकोशिया रेंज अंचल वज्रकाप्ता चोरा चलाण बेले स्पेशल टास्कफोर्स और सातकोशिया वन कर्मचारी चढ़ऊ गोटे वज्रकाप्ता को उधार करने से घटन संप्रक्त जनक एसटीएफ गिरफ्त करपर करंजिया रेंज कार्यालय दुईज को अटक रखी वन विभाग पचराउचरा जारी रखी दुईज आनंदपुर थाना अंतर्गत पद्मपुर अंचल जमापड़ी वज्रकाप्ता हूँ आम इकोलोजिकल सिस्टम फुड चेन रोटे एमती स्पीसीज किंबा गोटे एमती वाइल्ड एनिमल जे उई किंबा टर्माइट पॉपुलेशन को मेंटेन करुच्ची तो आम जो पोचिंग किंबा इलीगल ट्रेडिंग जो वज्रकाप्ता चलती यदि आम न अटकैवा तेल से स्पीसीजा यदि आम विलुप्त पाइला तो आम फुड चेन सिस्टम गड़बड़ हो तो ये गड़बड़ न होगापाई आम जिते जो जगार आम ओन इंटेलीजेन्स हो कि आमर बाहर आसुवा इंटेलीजेन्स सोर्स आम इनफर्मेसन पाचु आम बहुत सुचारू रूप आमर टीम गठन करी आम चेष्टा करूचु कि से आसामी मानक धराई जा पारू आउ काली भी आम धरीचु आगे आगुक भी आहरी आसामी मानक धरवु गत काली एसटी भुवनेश्वर कौन सी विशेष सूत्र खबर पाई सातकोशिया अंचल आसिक चढ़ऊ करते से गोटे जबत पांगुलीन जबत सहित जन को धरीदे संगे संगे आम सातकोशिया जड़े कुख्यात अपराधी को गिरफ्त कर घसीपुरा पुलिस अपराधी जनक केन्दुझर जिला घसीपुरा थाना खालफल गाँवर अनिल कुमार जेना अनिल नारे सात रु अधिक अपराधिक मामला रही
गत मार्च मासरे ब्राह्मणीपाल टिफर संघर उपसभापति आक्रमण करने गुड़चा करनिल अभोग पर से फेरार हो जाता विशेष सूत्र खबर पाई पुलिस ता घरे चढ़ाऊ करने सहित गिरफ्त कर कोर्ट चलाण कर चलित बर्ष आज व्याघ्र गणना आरंभ हो शिमिपाल कोर और वफर एरिया सहित शिमिपाल पाद देशर बाघ गणना करा कैमेरा बाघर पाद चिन्ह अन्यान्य आनुषंगिक सरकारी नियम अनुजाई गणना कार्य हेबो चारिटी पर्यायर बाघ गणना हो सात दिन पर्यंत चलिबो आगे आज आमर साइंस सर्वे रो प्रथम दिन थिला जो जमी आप जानते इकोलोजिकल एप मध्यम एथर आम ऑल इंडिया टाइगर सेंसस 2021 करुचु तो से गोटे फर्म वन कर फर्म वन आज फर्स्ट दिन साइंस सर्वे कर तो साइंस सर्वे रो बेसिक ऑब्जेक्टिव थिला कि कार्निवोरस और हर्बीवोरस को गणना भितर सामिल करिया तो आम स्टाफ मैंने बहुत सुचारू रूप बहुत भोर पूरा जाते जाकि आम करंजिया डिविजन रो 55 बीट अच्छी 55 बीट को से कवर करवर करके बहुत सुचारू रूप एप मध्यम जहाँ जहाँ देखागला रेकर्ड करेकर्ड कर मध्यम सिस्टम को जनईं 57 नंबर जातीय राजपथ सुवर्णपुर ब्लॉक छक मर्मन्तुद दुर्घटना एक यात्रीवाही बस सह सीमेंट बोझ ट्रक मुहांमुही धक्का होती विलंबित रात्रि घटना दुर्घटन किसी यात्री सामान्य आहत होते हैं अल्पके बर्ती जाइंट भुवनेश्वर भवानीपाटना अभिमुखे जा बस टी समलपुर पटु आसुवा बेले दुर्घटनाग्रस्त होता खबर पाई घटनास्थल में सोनपुर पुलिस पहुंची अधिक तदंत जारी रखी मयूरभंज जिला बांग्रीपोषी थाना भोलागाड़िया गाँ निकट में बाइक दुर्घटनाग्रस्त बाइक आरोही संग्राम बास्केंकर मृत्यु होती रास्ता कड़े बाइक सह पड़ रही मृतदेह गत राति ड्यूटी सारी ब्राह्मण गाँव घर को फेरुवा बेले दुर्घटनार शिकार होता कह मृतकों घर विशोई थाना अंतर्गत हाथीगढ़िया अंचल समाजसेवा सह राजनीति में जोगदेवे समाजसेवी नरोत्तम बारिक आनंदपुर उपखंड कंटीपाड़ गाँवर समाजसेवी नरोत्तम बारिक दीर्घ वर्ष धरी समाजसेवा क्षेत्र में निज ना कमाई गरीबों स्वास्थ्य सेवा ठू आरंभ कर पाठपढ़ा रोजगार आदि क्षेत्र में दृष्टांतमूलक कार्य वर्तमान समय समाज सेवार आउ दुईपाद आगक जा मुख्यमंत्री कार्यकलापे अनुप्राणित हो राजनीति में जोगदे लोक अधिक सेवा करिपारिबे बोली कहिसेंति एने आनंदपुर उपखंड शालमणि निकट एक सांबादिक सम्मेलन जरिया रे सूचना देछन्ति सोशियाल सर्विस करिबा मोर पेशा आउ निशा ता सहित मु गोटे दल को रेस्पेक्ट एथिपाय कली जे 25 वर्ष भितर जो दल रे गोटे साधारण कादुओ छिटा पड़ी ना मुखिया को उपरे मु सेई मुख्य व्यक्ति को मोर आइडियोलोजी भावुची तेणुकर मु सेई दल को सपोर्ट करुची आउ तांको व्यतीत मु सेकंड पर्सन आज पर्यंत देखि पाइलिनि जे ओडिसा को संभाली पारिबे आगो को मु सोशल वर्क सहित मो दल को या सहित केमिति सहयोग रा हात हात दे मु केमिति स्ट्रांग करबी सेटा होची मोर मुख्य लक्ष्य समय छ बुलेटिन ने वर्तमान पर खबर को एट रखबा नमस्कार।